विदेश जा रहे हैं, इधर से मुख्यमंत्री बन के जा रहे हैं, उधर से जब लौटेंगे पूर्व मुख्यमंत्री बन जाएंगे। मांझी जी कहिएगा तनुक बढ़िया से खराब हो गया है, जहाँ नीतीश कुमार इलाज कराए हैं ना, वहीं जाके तनुक बढ़िया से इलाज करा लेंगे। चश्मा पोच के गांधी मैदान देखना चाहिए। करेज फट गया है रैली के देख कर, दिल दहल गया है। इसका आका मोदी आया था बेगूसराय में, अपने आका काका को नहीं देखा कि क्या वो लोग इसके काका के यहाँ था। पटना रैली में था कि रैली पटना में था यह पता नहीं चल रहा था। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराधी हैं, अपराधियों पर कार्रवाई होगी। देखिए, कल जनविश्वास रैली बुलाई गई थी महागठबंधन की तरफ से, लेकिन अब उस पर ट्वीट किया जा रहा है। वहीं कहा जा रहा है, जितना मांझी ने ट्वीट किया है कि जितने भी लाल झंडे थे वही लोग इस रैली में आए हैं। महागठबंधन के साथ अब जो ए टू जेड पार्टी कहती है वही अब उनके साथ जो है तमाम लोग ने साथ छोड़ दिया। हमारे साथ आरजेडी के विधायक राम बिक्सदा जी हैं। आप लोग के साथ अब तमाम लोग साथ छोड़ रहे हैं क्या, सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी का झंडा दिखा जीतनराम मांझी ने कहा? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आप मांझी जी कहिएगा तनुक बढ़िया से खराब हो गया है, जहाँ नीतीश कुमार इलाज कराए हैं ना, वहीं जाके तनुक बढ़िया से इलाज करा लेंगे। चश्मा पोच के गांधी मैदान देखना चाहिए, उनका चश्मा में शायद धुला उला होगा। और जो हाँ, और जो जीतनराम मांझी जी बोले हैं, हम लोगों के रैली से पहले 8 दिन पहले इसका रैली हुआ था। हमको लगता है 25-30 लोग इसके रैली में नहीं था। जो आदमी एक कृष्ण मेमोरियल हॉल नहीं भर सकता है, वो आदमी गांधी मैदान के भरने वाले के ऊपर बात करता है। उनको खुद अपने आप के समझदारी से बात करना चाहिए वैसे लोगों को। और जहां तक कम्युनिस्ट पार्टी का सवाल है, तो कम्युनिस्ट पार्टी हमारे गठबंधन में है कि मांझी जी गठबंधन में है, कांग्रेस हमारे गठबंधन में है कि उसके गठबंधन में है। तो हम लोग तमाम लेफ्ट के जो साथी थे, तमाम लोग मिल के रैली किए थे। और राष्ट्रीय जनता दल के नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी के आह्वान पर हम लोगों का जो समाज के लोग था, गरीब गुरबा छात्र नौजवान किसान मजदूर तमाम लोग आए हुए थे। तो इसका मतलब यह नहीं है कि गरीब आया तो वह कम्युनिस्ट पार्टी का लोग हुआ। कई बीजेपी के विधायक हैं, उन्होंने आरोप लगाया है कि ये उल्लड़ पार्टी की रैली थी। जिस तरीके से पूरा समाज है चोरी और जिस तरीके से रोड पे उपद्रव हुआ है, कहीं ना कहीं ये एक बड़ा संदेश जाएगा लोकसभा में और विधानसभा में, लोग इनको बायकॉट करें। सबसे बड़का झूठा पार्टी है भारतीय जनता पार्टी का। करेज फट गया है रैली के देख कर, दिल दहल गया है। इसका आका मोदी आया था बेगूसराय में, अपने आका काका को नहीं देखा कि क्या वो लोग इसके काका के यहाँ था। और बात करता हम लोगों के रैली के यहाँ, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, इसका प्रधानमंत्री और इसका गृह मंत्री, हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव के लोकप्रियता को देखकर घबरा गया है। जिसका उदाहरण है कि एक आह्वान पर पटना रैली में था कि रैली पटना में था यह पता नहीं चल रहा था। पटना रैली से पट गया, पटना कार्यकर्ता से पट गया, पटना महागठबंधन के साथी से पट गया, पटना किसान मजदूर छात्र नौजवान से पट गया। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग को तो रैली देखिए कि दलती लग गया, इन लोगों को बोलने कोई हो शाबाश है? आज उप मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराधी हैं, अपराधियों पर कार्रवाई होगी। वो सब पर कार्रवाई करते हैं, लेकिन अपने पहले क्या थे वो खुद बुझे ना उप मुख्यमंत्री जी। कौन दो उप मुख्यमंत्री है, कौन उप मुख्यमंत्री का आप बात कर रहे हैं? दो उप मुख्यमंत्री है बिहार में, किसका आप बात? विजय सिन्हा जी के। अरे उनका तो बातें छोड़िए, वो इतना बड़ा अपराधी थे विजय सिन्हा जी कि वो दरोगा थाना पर बैठा लिया था और डीएसपी इसको सब कुछ सब दशा कर दिया था, जिसके चलते हम लोग विपक्ष के लोग इसका साथ दे के हम लोग धरना प्रदर्शन किए थे। और आज ही उप मुख्यमंत्री बन गए तो बड़की फाल्टिंग देते हैं, कार्रवाई है, कार्रवाई करने से उसको कोई मना करता है? उप मुख्यमंत्री हो गया, सबसे बिहारे के गरीब गुरबा के रैली में आया, सबके जेल भेज देगा, भेज के देखे विजय सिन्हा बसी दम और रोका दे तो देखे भेज के क्या गो की जेल भेजता है। अच्छा, एक अंतिम सवाल है, अभी तक मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हुआ है और नीतीश कुमार इंग्लैंड जा रहे हैं। बिना मंत्री का, बिना मुख्यमंत्री का सदन था, बिना माथा का सदन था, अब बिना मंत्री का सदन चल रहा था, बिना माथा का सरकार और बिना मंत्री के सदन। और माननीय मुख्यमंत्री जी डर गए हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे, जिनका नाम देंगे वह हमारे साथ रहेगा, जिनका नाम नहीं देंगे वह हमारे साथ नहीं रहेगा।
डर से माननीय मुख्यमंत्री जी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर रहे हैं और आपने विदेश जाने का बात किया, तो आज फिर मैंने आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज किया था परसों कि 15 लाख लोग जुट रहे हैं, जुटा न। फिर मैं आपको कहता हूँ कि आप विदेश जा रहे हैं, इधर से मुख्यमंत्री बन के जा रहे हैं, उधर से जब लौटेंगे पूर्व मुख्यमंत्री बन जाएंगे, पूर्व मुख्यमंत्री बन जाएंगे, जो बीजेपी का दशा और दिशा है। हाँ। देखिए प्रधान, जिस तरीके से नीतीश कुमार इंग्लैंड दौरे पे जा रहे हैं, वही रामडी सदा ने कहा है कि इधर से तो मुख्यमंत्री बन के जा रहे हैं लेकिन अब पूर्व मुख्यमंत्री हो जाएंगे। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे देशवा न्यूज पर। वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।